नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। राजस्थान फ्लेक्सिप कार्यक्रम, फ्लेक्सिप जो योजनाएं हैं उनकी बात करते हैं। आपके रीड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसको लेकर बात करें। ये राजस्थान के खुद के गवर्नमेंट ऐप जन कल्याण पोर्टल से ये जानकारी आपके बीच में है, तो ऑथेंटिक जानकारी है। आप निश्चिंत रहे, जानते इसके बारे में और कुछ बातों को। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना की बात करते हैं। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सबसे पहले बात करें, ये स्थानीय निकाय विभाग इसमें शामिल होते हैं। और बात करें इस योजना को शुरू कब किया गया था, इस योजना को शुरू करने की जो डेट है वो आप याद रखिएगा। इस योजना को शुरू करने की जो डेट है वो है 20/8/2020, यानी कि 20 अगस्त 2020 को ये योजना शुरू की गई। ठीक है, वित्त पोषित, यानी कि ये योजना पैसा खर्च कौन करता है, ये राज्य सरकार द्वारा है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अब इसके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिनांक 20/8/2020 से सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की। योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार दो समय का शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना है। इंदिरा रसोई की स्थापना हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा नगर निकायों के सामुदायिक भवन, रेलवे, बस स्टेशन, अस्पताल, मंडी, चौकड़ी आदि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर जो है नगर निकायों के आर्ट स्थलियों, अंबेडकर भवनों, सामुदायिक भवनों, एनजीओ के रिक्त भवनों में निशुल्क की गई है। ठीक है, अब बात करें यहाँ से, देखिएगा डाटा यहाँ जो है, अब यहाँ डाटा चेंज हो गए हैं। योजना अंतर्गत अब 213 नगरों में, अब बात करें यहाँ पर 358 जो पहली बार हुआ था, अब यहाँ पर 1000 हो गई। कितनी हो गई है, 1000 रसोईया कितनी हो गई है, 1000। अब नया जो बजट था, बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, अब इनकी संख्या हो गई आपके 1358, पहले थी अब 1000 हो गई है। स्थायी रसोई के संचालन हेतु जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति द्वारा सेवाभावी संस्थाओं एनजीओ का चयन किया गया है, जिनके माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाकर जो है योजना के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ तक जो व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका। अब बात करें तो रसोईयों का निर्धारण जो है 1000 हो गया। ठीक है, अब बात करें खाने की संख्या में बात करें तो इसको लेकर बात करते हैं। अब भोजन का मेन्यू देखा जाए तो बात करें इंदिरा रसोई योजना अंतर्गत भोजन में चपाती दाल, सब्जी एवं अचार सम्मिलित किया गया तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार मेन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। अब प्रति थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार दिए जाने का प्रावधान है। आपने खाइए क्या, किसी ने बताइएगा, मैंने तो खाई है भाई, सारी चीज़ें मिलती है, ये बड़ा शानदार है। जैसे अपन एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं उसी तरह की फीलिंग आती है। लाभार्थी अंशदान योजना अंतर्गत भोजन हेतु लाभार्थी से 8 रुपये प्रति थाली लिए जाने का प्रावधान है। देखिएगा, लाभार्थी से 8 रुपये लिए जाने का प्रावधान है। कोरोना को लेकर जो है, कोरोना के समय जब अभी लास्ट ईयर कोरोना को लेकर जो है कोई भूखा ना सोए के संकल्प में जो है इसको फ्री कर दिया गया था, बिल्कुल फ्री कर दिया गया था, कोई भूखा ना सोए कोरोना के समय इसको। ठीक है, तो रसोई संचालक को भोजन वितरण एवं राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता था। अब यह अनुदान बढ़ा दिया गया है। अभी अनुदान कितना है आपके, अभी अनुदान 5 रुपये इसमें प्लस और ऐड कर दिए गए नए बजट के अनुसार, तो 17 रुपये का अनुदान गवर्नमेंट सरकार देती है। ठीक है, और 8 रुपये जो है अब कस्टमर से लेते हैं, यानी कि जो लाभार्थी उनसे लेते हैं, और 12 रुपये का अनुदान की जगह 17 रुपये का अनुदान कर दिया गया है, तो जानकारी याद रखिएगा। भोजन के समय की बात करें तो सुबह 8:30 से 2 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक ये उपलब्ध होगा। और फिर इसकी बात करें तो बाकी इसमें क्या है, ये आपको जो है फ़ोटो खींच कर वगैरह ऑनलाइन ये सारा काम किया जाता है, आपको कूपन दिया जाता है, ये बात हो गई।
ये बात थी इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।